मेरी ये वीडियो टेनिस के एक बेहतरीन प्लेयर नोवाक जोकोविच के बारे में है और मैं इस वीडियो में नोवाक जोकोविच की अचीवमेंट्स और उनके रिकॉर्ड्स के बारे में बताऊंगा। नोवाक जोकोविच इज अ सर्बियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर। He is currently ranked as 1 by the Association of Tennis Professionals. Tennis mein अभी जो वर्ल्ड नंबर 1 है वो नोवाक जोकोविच है। जोकोविच हैज बीन वर्ल्ड नंबर 1 फॉर अ रिकॉर्ड 360 weeks. टोटल ऑफ 360 weeks जो है ये इनका रिकॉर्ड है। वो वर्ल्ड नंबर 1 फॉर अ रिकॉर्ड टोटल ऑफ 360 weeks। टेनिस में इतने अरसे तक वर्ल्ड नंबर 1 सिर्फ नोवाक जोकोविच ही रह चुके हैं एंड हैज फिनिश्ड 80 year and number 1. For a record 7 years. तो ये इनका एक दूसरा रिकॉर्ड है। ये चीज एक अहम है कि जोकोविच जो है has been world number 1 for a record total of 360 weeks and has finished as ATP year end number 1 for a record 7 years. He has won 20 Grand Slam men singles titles. इसके साथ साथ including a record 9 Australian Open titles. सबसे ज्यादा Australian Open जो titles जो हैं वो नोवाक जोकोविच जीत चुके हैं। He has won 86 ATP singles titles. इसके साथ एक और पास रिकॉर्ड है including a record 37. ये उनका एक और रिकॉर्ड आ जाता है कि उन्होंने एटीपी मास्टर्स जो टाइटल्स हैं वो 37 जीते हैं जो सबसे ज्यादा है टेनिस में।
इन सिंगल्स नोवेक जोकोविच होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट एटीपी मास्टर्स टाइटल्स विद 37. राफेल नडाल ने 36 एटीपी टाइटल्स जीते हैं. मास्टर्स जो टाइटल्स हैं वो इनसे एक कम बनता है. इनके अगर हम प्राइज मनी की बात करें तो ये एक इनके पास एक और रिकॉर्ड आ जाता है. ही इज ऑल टाइम लीडर इन अर्निंग्स. यहां पर भी ये नंबर वन है. अब हम बात करते हैं ग्रैंड स्लैम टाइटल्स की कि वो उन्होंने कौन कौन से जीते हैं और कितने जीते हैं. सबसे पहला टाइटल जो है वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन. हम इसकी बात करेंगे जो कि उनके पास रिकॉर्ड भी है. इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2008 में जीता, दूसरा फिर 2011 में जीता, फिर 12 में जीता, फिर 13 में जीता, 15 में भी ये चैंपियन रहे, 16 में चैंपियन रहे, 2019 में, फिर 20 में, फिर 21 में. सो ये जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है 2008, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20 and 21 और ये जो टोटल है ये 9 टाइटल्स बनते हैं जो कि इनके पास ये रिकॉर्ड है. फिर हम आते हैं फ्रेंच ओपन की तरफ. फ्रेंच ओपन जो है ये सिर्फ दो बार जीत चुके हैं, एक 2016 में और फिर ये जीत चुके हैं 2021 में. इनके पास दो टाइटल्स हैं. विंबलडन की अगर हम बात करें तो वो विंबलडन ये जीत चुके हैं 2011, 14 में फिर जीता, 15, 18, 19 और 21 में ये जीत चुके हैं. अब ये जो टोटल टाइटल्स हैं ये बनते हैं 6. इनके पास 6 विंबलडन टाइटल्स हैं. 2011 में जीता, फिर 14 में जीता, फिर 15 में चैंपियन रहे, फिर 18 में चैंपियन रहे, 19 और फिर 21 में. यूएस ओपन की अगर हम बात करें तो ये 2011 में पहली बार चैंपियन बने, फिर 2015 में बने और फिर 2018 में बने. 3 बार ये यूएस ओपन जीत चुके हैं. तो ये इनका जो है ये ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जो हैं इनके बारे में मैंने अभी आपको बताया है. इसके बाद हम बात करते हैं एटीपी फाइनल्स की. एटीपी फाइनल्स जो है ही हैज वन 5 एटीपी फाइनल्स टाइटल्स जो कि 2008 में ये पहली बार जीता, फिर 2012 में, फिर 13 में और फिर 14 और फिर 15 में. लगातार ये 4 मरतबा 12, 13, 14, 15 में एटीपी फाइनल्स जीत चुके हैं. डेविस कप की अगर हम बात करें तो ये डेविस कप में टीम कंपटीशन में विनर रहे 2010 में. तो ये नोवेक जोकोविच की कुछ अचीवमेंट्स थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया और इसलिए इनको टेनिस में एक अच्छे अल्फाज में याद रखा जाता है. टेनिस में इन्होंने अपनी मोटिवेशन, मेहनत और डिटर्मिनेशन से बहुत से अचीवमेंट्स की हैं और अभी ये अचीवमेंट्स जारी हैं और ये मज़ीद भी ये इनके अंदर ये टैलेंट मौजूद है कि ये मज़ीद भी अचीवमेंट्स करें और मज़ीद जो है रिकॉर्ड्स बनाएं. इसके साथ ही मेरा ये वीडियो ख़त्म होती है. अगली वीडियो में मैं बताऊंगा रोजर फेडरर के बारे में और उनके अचीवमेंट्स के बारे में मैं तफसील से बताऊंगा. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम.